हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुलाब जामुन की बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी रेसिपी, जो कि आप बहुत ही कम खर्चों में आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा गुलाब जामुन बनके रेडी है। तो आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को नीचे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच घी। अब इसमें हम डालेंगे 1 ग्लास दूध। घी हमने इसलिए डाला है ताकि नीचे दूध जले ना, नीचे चिपके भी ना। अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मिल्क पाउडर, आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले सकते हैं। मिल्क पाउडर को हम दूध में अच्छी तरह से मिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना रह जाए। इसको अच्छी तरह से इसमें दूध में अच्छी तरह मिला देना है। दूध हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम इसको चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है, एकदम खोए जैसे हो गया है। घी भी छोड़ दिया है। आप पहले और अब की वीडियो देख सकते हैं, पहले कैसा था अब कैसा हो गया है। बिल्कुल हमें इसी तरह से पकाना है। तो हमारा खोआ बन के रेडी हो गया है। हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। हम चाशनी बना लेते हैं। यहाँ पे हमने 1 कप पानी लिया है, 2 कप, 2 कप पानी में 1 कप हमने चीनी डाला है। इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे। इलायची पाउडर डालेंगे इसमें। हमें यहाँ 1 तार की चाशनी बना लेना है। हमारी चाशनी बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये थोड़ा ठंडा हो चुका है, ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच मैदा। घर में नॉर्मल यूज करने वाले चम्मच से आप 4 चम्मच मैदा डालिएगा। इसमें 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल के इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम इसको अच्छी तरह से इतना इसको मलेंगे कि ताकि एकदम स्मूथ हो जाए। अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा दरदरा सा है, इसको हमें एकदम अच्छे से मसल के एकदम बढ़िया सा डो तैयार कर लेना है इसका। ये देखिए पहले अब कितना चेंज हो चुका है ये। अब इसके हम छोटी छोटी सी गोलियां तैयार करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना चेंज है, ऐसी इन सारी गोलियां हम रेडी कर लेंगे।
गैस का फ्लेम हम यहाँ पे कम ही रखेंगे। इसको हम अच्छी तरह से तल के निकाल लेंगे। थोड़ा ब्राउन होने तक हम इसको अभी थोड़ा तलेंगे। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया है। थोड़ा इसे हम और पकाएंगे। ये देखिए ये ब्राउन हो चुका है। हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी गुलाब जामुन को भी तल लेंगे। यहाँ पे हमने गुलाब जामुन को चाशनी में डाल दिया है। बीच का जो वीडियो है था थोड़ा सा चाशनी में डालते टाइम का वो वीडियो मिस हो गया है, तो उसके लिए सॉरी। और इसमें हमने चाशनी में इसको डाल दिया था। ये देखिए हमारा गुलाब जामुन एकदम बढ़िया बन के रेडी हो गया है। ये देखिए कितना खिला खिला बन के गया। आप भी हमारी रेसिपी को ट्राई जरूर करिएगा। और अगर हम आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।